हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वोकैबुलरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि जो चैप्टर है ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया है वोकैबुलरीज का, ताकि आप अपने वोकैबुलरीज को इंक्रीज करिए, अच्छी स्पीकिंग कर पाइए। ठीक है, वोकैबुलरीज इंग्लिश रीडर इंग्लिश ग्रामर की सबसे मेन प्रॉब्लम होती है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, चाहे आप स्पीकिंग करने के लिए। ठीक है, बिना वोकैबुलरीज के आप कैसे बन जाएंगे? वैसे ही आदमी बन जाएंगे कि जो सामान तो खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में देखेंगे, अपोजिट्स के बारे में देखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजन्स। तो चूँकि आपकी बुक में 32 है लेकिन इस बार आपके यूनिट वन में ये 8 तक आएगा, बाकी उसके यूनिट टू में फिर हाफली एनुअल ऐसे आता जाएगा। तो जैसे कि एग्ज़ाम में आप क्या आएगा कि एज ब्लाइंड एज अ, तो आपको लिखना रहेगा बैट, as brave as a lion, as bright as a day, किसके जैसे चमकदार, दिन जैसा चमकदार, as brave as a lion, किसके जैसी बहादुर, किसके जैसा बहादुर, लायन जैसा बहादुर, as blind as a bat, मतलब किसके जैसा अंधा, बैट चमकादार जैसा अंधा, as cold as ice, मतलब किसके जैसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा, as cheerful as a lark, as cunning as a fox, cunning मतलब चलाक चतुर, किसके जैसा, फॉक्स जैसा, as clear as crystal, क्रिस्टल के जैसा साफ। ठीक है, as dry as dust, किसके जैसा ड्राई, डस्ट जैसा ड्राई। तो ये 8 मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम में आपको, जैसे मान लीजिए कैसे लिख के आएगा कि फील द करेक्ट वर्ड, तो आपको अगर मान लीजिए वहाँ पे लिखा रहेगा कि as blind as a, ऐसे भी ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पे ब्लैंक में आपको बैट लिखना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, इसी चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग 10 देखेंगे। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही है ये। बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में अपनी लाइफ के बारे में कोई बुक लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैंड से लिखे जाते हैं उन्हें मनोस्क्रिप्ट कहते हैं, और ऐसे वर्ड इनके सेम मीनिंग होते हैं उन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं, जिनके अपोजिट मीनिंग होते हैं उसे एंटोनिम्स बोलते हैं। दोज हु गैदर टू वॉच एंड लिसन, ऐसे लोग जो इकट्ठा हुए रहते हैं चीज़ों को देखने के लिए सुनने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। जब कोई स्टेज पे कुछ बोल रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है, तो जो पब्लिक बैठी होती है वो ऑडियंस होते हैं ना। अब कोई ऐसा वर्ड जो अपोजिट मीनिंग बताते हैं उससे एंटोनिम्स कहते हैं ना, और सेम मीनिंग बताने वाले को सिनोनिम्स कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैंड से रिटन होते हैं उन्हें मैनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। आप मैंने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा ऐसा। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिमोनी। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, पैट्रिमोनी। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिमोनी, इनहेरिट फ्रॉम फादर, पैट्रिमोनी, और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, ऑटोक्रेसी, मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट भी चला, उसे ऑटोक्रेसी बोला जाता है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब ऐसा गवर्नमेंट में सभी लोग पार्टिसिपेट करें, वो डेमोक्रेसी होती है। दैट विच हैपेंस एवरी ईयर, ऐसी चीज़ें जो एवरी ईयर होती हैं, वो क्या होता है, एनुअल होता है। ओके बेटा, आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, मैंने इसकी हिंदी भी आपको बताई है, आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बारे में मैंने भी बताया कि एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट और कंट्रेरी मीनिंग। एंटोनिम्स मतलब होता है कि इनमें विलोम जैसे शब्द होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 5 को ही देखेंगे, बाकी हम आगे एग्जाम में देखेंगे। तो यहाँ पे 5 क्या देखेंगे, एबसेंट का प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट कोई चीज़ करना, और फिर एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट कर देना, और अराइवल मतलब होता है पहुंचना, डिपार्चर मतलब होता है वहाँ से निकलना, एनालाइज का होता है सिंथेसिस, एनालाइज करना, और फिर क्या है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 यहाँ पर देख लिया। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।